आज देखेंगे कैसे रामचंद्रन प्लॉट को एग्जैक्टली ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी आज थोड़ा स्टडी मटेरियल भी मैं साथ में शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ डायग्राम भी इसमें आपको दिखेंगे। जैसे मैंने बताया बताया कि जो वैल्यू है फाई और साई एंगल का, वो -182 +180 डिग्री के बीच में होता है। इसको प्लस माइनस 180 डिग्री कहते हैं, है ना। और स्टेरिक इंटरफेरेंस या स्टेरिक हिंड्रेंस, या आपस में टकराए नहीं, एक बहुत बड़ा बड़े बड़ा इशू है। तो मेनी वैल्यूज आर प्रोहिबिटेड ड्यू टू स्टेरिक इंटरफेरेंस एज 0 डिग्री। 0 डिग्री प्लस माइनस नहीं लेने का यही कारण है कि उस पर स्टेरिक इंटरफेरेंस जो है प्रोहिबिटेड रहता है। अब रामचंद्रन का जो ग्राफ है, उस ग्राफ में उन्होंने क्या दिखाना चाहा? उन्होंने ये दिखाना चाहा कि कौन सा अमाइनो एसिड कितना रोटेशन शो करता है, किस जगह पर रहता है, और कौन सा प्रोटीन रामचंद्रन प्लॉट में के ग्राफ में कहाँ मौजूद रहता है। इन दोनों चीजों पर चर्चा उन्होंने किया। तो अभी एक एग्जांपल है हमारे पास, और वो है एल एलानीन रेसिड्यू का एग्जांपल। अगर एल एलानीन रेसिड्यू के लिए हम लोग बात करें, तो इस पूरे प्लॉट में, ये पूरा प्लॉट है हमारा, और इस पूरे प्लॉट को 4 हिस्से में बांट दिया गया, जो मैंने कल कोऑर्डिनेट आप लोगों को सिखाया था। ये 4 हिस्से हो गए एक्स वाई एक्सिस में, और यहाँ जो है वो फाई एंगल है, और यहाँ पर जो है वो साई एंगल है। और इसके बाद बताया कि कौन सा क्षेत्र है, कौन सा एरिया है इस ग्राफ का, जहां पर अगर ये अमाइनो एसिड रहता है तो खूब बढ़िया से रोटेट कर सकता है, कोई स्टेरिक टकराव किसी से नहीं होता है। तो जब उसकी बात होती है, तो उस एरिया को हम लोग ऐसे यहां पर देख रहे हैं। देखिए, ये जो रीजन है, ये जो मैं जहां हाईलाइट कर रहा हूं, ये रीजन, इसको क्या कहा जा रहा है कि मोस्ट फेवर्ड रीजन है। यहां पर एलानिन रेसिड्यू सबसे कंफर्टेबल होगा। अब आप सोचिए कि ये जो जगह है, इस जगह का क्या कोऑर्डिनेट होगा? तो वाई एक्सिस पर तो पॉजिटिव होगा, लेकिन एक्स एक्सिस पर क्या होगा? नेगेटिव होगा। अर्थात कहने का है, इसमें जो साई एंगल है, साई एंगल का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव। और फाई एंगल जो है, तो डबल टिक रहे हैं, उसका वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्योंकि ये जो एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस यहाँ पॉजिटिव है, जबकि एक्स एक्सिस जो है यहाँ पर वो नेगेटिव वैल्यू में है। एक्स एक्सिस पर क्या लोकेट करता है? फाई एंगल। तो फाई एंगल का वैल्यू यहाँ नेगेटिव होगा। वाई एक्सिस पर क्या रहता है? साई एंगल। तो साई एंगल का वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होगा। इस प्रकार से ये जो जगह है, इस जगह में खास एंगल को बताया जा रहा है कि ये फेवर्ड रीजन। ओके, ये फेवर्ड रीजन कहाँ कहाँ है? बोले ये फेवर्ड रीजन यहां भी है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लोकेट कर सकते हैं। और एक ऐसा रीजन है जो बॉर्डर लाइन कहला रहा है, कि मतलब फेवरेबल और अनफेवरेबल, मतलब जहां फ्रीडम है बट इतना फ्रीडम नहीं है उस मॉलिक्यूल को, वो मॉलिक्यूल एकदम ओपन ही हो, लेकिन ये बॉर्डर लाइन होता है। ये जो मैंने येलो कलर से किया है अभी, ये सब रीजन क्या है? ये सब रीजन बॉर्डर लाइन है। देखिए, यहाँ पर भी है ऑल प्लस बॉर्डर लाइन है। यहाँ पर अगर इस एंगल पर अगर ये अमाइनो एसिड रेसिड्यू रहता है, तो फिर ये मतलब खतरे में है। कभी भी ये उस रीजन में जा सकता है जो रीजन इसको फ्रीली रोटेट करने से रोकता है। और बाकी जो आप इलाका देख रही है, पूरा व्हाइट एरिया है ना, जितना भी आप व्हाइट एरिया देख रहे हैं, ये तमाम जो व्हाइट एरिया है वो क्या है? ये जैसे कि यहां से हम एक ले, ये थोड़ा सा बढ़िया ग्राफ को पकड़ते हैं, देखिए ये रीजन है। ये पूरा पूरा रीजन क्या है? ये डिसफेवर्ड, मतलब कि ये एकदम अलाउ नहीं करेगा अमाइनो एसिड, क्योंकि इस रीजन में मिले। ठीक है,
जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, ये जितना भी आप खाली एरिया देख रहे हैं, ये सारा खाली एरिया क्या है? डिसफेवर्ड रीजन है, क्योंकि इस रीजन में जैसे ही वो रेसिड्यू आएगा, स्टेरिक जो इंटरफेरेंस है वो बढ़ेगा, और स्टेरिक इंटरफेरेंस बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पर टकराव की स्थिति होगी और अमाइनो एसिड जो है फ्रीली रोटेट नहीं कर पाएगा। ये जितना भी व्हाइट एरिया आप देख रहे हैं, जिसको मैं अभी डार्क कलर कर रहा हूँ, ये सब डिसफेवर्ड एरिया है। यहाँ पर अगर अमाइनो एसिड आएगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस वहां पर कॉज होना ही होना है। तो साइंस में ये चीज समझना है कि ये जो खाली एरिया है उसका भी मतलब है, और वो मतलब क्या है कि वहां पर रोटेशन संभव नहीं है। इस प्रकार से रामचंद्रन प्लॉट को लोग एक्सप्लेन करते हैं कि रामचंद्रन प्लॉट में कौन सा एरिया फेवर्ड है और कौन सा एरिया डिसफेवर्ड है। तो आप लोग जब भी रामचंद्रन प्लॉट में जाएं, तो आप ये गौर करें कि किस कितना एंगल पर है ये सभी, है ना, और किस एंगल पर। अब जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल आगे पुटअप मैंने किया है, मैं उधर एग्जांपल की तरफ चलूंगा। ये देखिए, यहाँ के एग्जांपल है कि ग्लाइसिन जो है हैज मच ब्रॉडरली अलॉट कॉन्फर्मेशन। ग्लाइसिन जो है वो उसके पास बहुत छोटा साइड चेन होता है, उसका टकराने का चांस बहुत कम होता है, इसलिए ग्लाइसिन का जो फेवर है वो ज्यादा है, क्योंकि ग्लाइसिन छोटा है। अब सोचो कि अगर हम अपने हाथ को फैला दें तब रोटेट करें, ओके, और दूसरा है कि हम हाथ को बांध कर रोटेट करें, किस जोन में हम ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। मैं इस डायग्राम को ड्रॉ करता हूं, हम यहां पर खड़े हैं और हमने क्या किया, हमने अपने हैंड्स को ऐसे फैला दिया, हम ऐसे रोटेट करें, या फिर हम ऐसे दूसरे तरीके से रोटेट करें। जैसे हमने अपने हाथ को क्या किया, हमने पीछे डाल दिया। तो जब हम हाथ को ओपन करके रोटेट करते हैं, तो जो एरिया चाहिए हमको फ्री डांस करने के लिए, फ्री रोटेट करने के लिए, वो इतना बड़ा एरिया चाहिए। लेकिन जब वहीं पर हम हाथ को बंद करके करते हैं, तो हमको ये कितना बड़ा एरिया चाहिए, बहुत छोटे से एरिया में ही हम अपने आप को रोटेट कर सकते हैं। इस प्रकार से ये भी है कि जितना बड़ा साइड चेन उतना रोटेशन में रिस्ट्रिक्शंस रहेगा, और जितना छोटा साइड चेन उतना कम रोटेशन, कम रिस्ट्रिक्शन उसको रहेगा, वो ज्यादा से ज्यादा बड़े एरिया में फ्रीली रोटेट कर सकता है। तो इसी बात को यहां पर ग्लाइसिन के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है। दूसरे जो रेसिड्यू हैं जिनका हम लोग चर्चा करें, तो लिखते भी हैं कि प्लॉट्स फॉर अदर एल अमाइनो रेसिड्यूज विथ अनब्रांच साइड चेन आर आइडेंटिकल टू एल एलानिन। अब एलानिन और ग्लाइसिन सब में क्या सिमिलैरिटीज है, कि इन सब में साइड चेन बहुत छोटा है। अगर हम एलानिन की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, एलानिन का जो साइड चेन है बहुत छोटा साइड चेन। देखिए ये उसका पेप्टाइड रीजन हो गया, और ये जो है उसका CH3, तो बहुत छोटा सा साइड चेन है। ग्लाइसिन इसकी जगह पर क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन है। ये छोटा साइड चेन है, तो इसका टकराने का जो चांस है वो क्या होगा, बहुत कम होगा। और वहीं पर जिसका बड़ा साइड चेन है, जिसका चार्ज साइड चेन है, उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होंगे, है ना। और भी यहां पर कहता है कि अलाउड कॉन्फर्मेशन आर स्मॉलर, बहुत कम स्पेस आपको मिलता है अगर आपके पास वैलिन है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है, एंथ्रियोनिन है। क्या क्यों इनमें आपको कम स्पेस मिल रहा है डांस करने के लिए, क्योंकि अगर आप इन तीनों का स्ट्रक्चर देखें, वैलिन में भी ब्रांच है, ल्यूसिन आइसोल्यूसिन में भी ब्रांच है, और थ्रियोनिन में भी ब्रांच है। ये चारों अमाइनो एसिड रेसिड्यू हैं जिनमें ब्रांच होते हैं। तो ब्रांच होने के कारण क्या है, इनका जो स्टेरिक कॉन्फॉर्मेशन अगर हम लोग देखें तो उसमें काफी प्रॉब्लम होता है। कैसे, मैं एक स्ट्रक्चर छोटा सा बना के आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अगर आप गौर करें, ठीक है, जैसे कि सोचो कि आइसोल्यूसिन देख रहे हो,
ओके अगर इस तरह का आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, तो इस ल्यूसिन में ये इन सब का अपना जोन है स्टेरिक हिंड्रेंस का, ये यहां भी टकरा सकता है ना, इसका अलग यहां भी टकरा सकता है, ये इसका अलग इधर भी ये टकरा सकता है, इसके अलग ये इधर भी टकरा सकता है। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो मिथाइल ग्रुप है या ये जो दूसरा मिथाइल ग्रुप है, ये सब बहुत बड़े रीजन में इसको चाहिए हाथ, मतलब खाली जगह चाहिए ताकि अपना हाथ को क्या कर सके, मूव कर सके। इसके टकराने की चांसेस क्या होती हैं, बहुत ज्यादा होता है। तो ऑब्वियसली यह इसके लिए फिट बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, यहाँ पर बहुत कम जगह मिलेंगे इसको क्या करने के लिए, अपने आप को रोटेट करने के लिए। इसी बात को यहाँ पर स्टडी मटेरियल लिखता है, इन सबको बड़ा स्मॉलर कन्फर्मेशनल अलाउंस मिला हुआ है, जबकि प्रोलीन क्या है, प्रोलीन साइक्लिक है, इनका जो साई एंगल होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है और एकदम एक खास रेंज 35 डिग्री टू माइनस 85 डिग्री रेंज में ही होता है। अब 35 डिग्री टू माइनस 85 डिग्री में कहाँ होगा, वो इस जोन में होगा, है ना। ये मैंने आप सबको सिखाया है, दोनों ही माइनस वैल्यू है तो इस जोन में होगा ये। और इस प्रकार से जोन वाइज अभी हमने बनाया भी है प्रोटीन का एक एग्जाम्पल जो आपको स्टडी मटेरियल दिखा होगा। देखिए ये भी बहुत बढ़िया एक डायग्राम है, इसको आप यहाँ इस डायग्राम में क्या है कि जो व्हाइट रीजन है, ठीक है, जो व्हाइट रीजन है वो व्हाइट रीजन जो है वो ऐसा क्षेत्र है जो अलाउड नहीं है, है ना। मतलब इस व्हाइट रीजन में अगर आप यहां पर हैं तो आप समझ लें कि आप वहां पर फ्रीली अलाउड नहीं है, आप वहां पर कुछ कर नहीं सकते अपने तरफ से। अब गौर करें कि जो पैरेलल बीटा शीट है, पैरेलल बीटा शीट जो है वो कहां पर फ्रीली अलाउ है, इस जगह पर। अब इस जगह पर फाई एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा, और साई एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पैरेलल बीटा शीट यहां पर दिख रहा है, ठीक है। अब पैरेलल बीटा शीट का कितना एंगल रहता है, जो पॉलिंग एंड कोरे का जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल के आधार पर पैरेलल बीटा शीट अगर हम लोग देखें, देखिए यहां पर क्या कहता है कि पैरेलल बीटा शीट जो है उसमें साई एंगल जो है वो पॉजिटिव है और फाई एंगल जो है वो नेगेटिव है। तो साई एंगल पॉजिटिव है और फाई एंगल नेगेटिव है। तो अगर इसको हम ऊपर एक बार डायग्राम में यहां पर देखें तो ये फाई एंगल है नीचे वाला और ये साई एंगल है। तो साई एंगल कहां हो गया, तो साई एंगल और फाई एंगल यहां पर इस जगह पर सबसे आसानी से रहता है और लोकेट करता है, ठीक है। एंटी पैरेलल बीटा शीट इस जगह पर फ्रीली अलाउड है, मतलब आराम से वहां रह सकता है उस एंगल पर। कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स यहां पर, राइट हैंडेड ट्विस्टेड बीटा शीट इस जगह पर, लेफ्ट हैंडेड ट्विस्टेड बीटा शीट इस जगह पर, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स इस जगह पर। आप देखिए कि ये सारे एग्जांपल जो है प्रोटीन्स के, ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोटीन का कन्फर्मेशन किस जगह पर सबसे आसानी से रहता है, ठीक है। राइट हैंडेड बीटा शीट मोस्ट कॉमन, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स वेरी कॉमन, लेकिन वहीं पर लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स वेरी रेयर, इसका होने का चांस बहुत कम होता है प्रोटीन में। अब कभी भी अगर आपसे कोई पूछता है कि क्यों राइट हैंडेड ही ज्यादा प्रिफर्ड है, क्यों नहीं लेफ्ट हैंडेड ज्यादा प्रिफर्ड है, आपके मन में सवाल आता होगा क्यों भाई। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इवोल्यूशन में उसी मॉलिक्यूल को सिलेक्ट किया जाता है जो मॉलिक्यूल अपने स्ट्रक्चर को या अपने फंक्शन को प्रॉपरली मेंटेन करके चलता है बिना टकराहट के। कहते जिंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो टकराते जरूर हैं लेकिन अपने आप को उसके बीच से रास्ता निकालते हुए वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक यहां पर भी है कि एंटी पैरेलल बीटा शीट, सोचो कि अगर एंटी पैरेलल बीटा शीट को बारे में हम कहें कि हम एंटी पैरेलल बीटा शीट को यहां लाना चाहते हैं इस जगह पर, ठीक है, जैसे इस एंगल पर हम एंटी पैरेलल बीटा शीट को अगर ले आए यहां पर ऑल पॉजिटिव,
तो क्या एंटी पैरेलल बीटा शीट अपने नेटिव कॉन्फॉर्मेशन में रहेगा? हम कहते हैं कि नहीं, वो अपने नेटिव कॉन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा। उसका कॉन्फॉर्मेशन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। और कॉन्फॉर्मेशन चेंज होने से क्या होगा? उसका करेक्टरिस्टिक जो है वो भी चेंज हो जाएगा, उसका बिहेवियर जो है वो भी चेंज हो जाएगा, और फिर वो एंटी पैरेलल बीटा शीट जो है वह रह नहीं पाएगा। इसलिए रामचंद्रन प्लॉट ने एक प्रकार से अपने प्रयासों से, अपने प्रयोगों से ये बताने की उन्होंने चेष्टा की कि कोई भी जो प्रोटीन है या कोई भी जो अमाइनो एसिड है वह कहाँ पर अपने आप को बेस्ट प्लेस रखता है ना, किस एंगल के रोटेशन पर वह अपने आप को बेस्ट तरीके से उस मॉलिक्यूल में पुटअप करता है, ठीक है ना। तो इसे कुछ कुछ स्टेटमेंट मैंने डाले हैं, द वैल्यूज ऑफ साई एंड phi and psi angle for all amino acid except glycine, क्योंकि glycine के पास सिर्फ hydrogen है, in the enzyme pyruvate kinase, ये glycolysis का एक enzyme है, are overlaid on the plot, ऊपर जो plot है ना उस पर वह दिखा जाता है। The small and flexible glycine residue were excluded because they frequently All outside the expected range. जब भी रामचंद्रन प्लॉट में आप ग्लाइसिन को लेकर रेंज लीजिएगा, हमेशा वो प्लॉट से बाहर भी चला जाता है, इसलिए ग्लाइसिन को लोग बहुत ज्यादा इसमें कंसीडर नहीं करते। जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो एलानिन का ही एग्जाम्पल लोग पुटअप करते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसी बेसिस पर दिखाया गया है कि किसका पॉजिटिव किसका नेगेटिव। आप देखिए कि जो सबसे रेयर कैटेगरी है वो रेयर कैटेगरी किसका है? अल्फा, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स का, क्योंकि इसका जो फाइ और साई एंगल है वो दोनों ही पॉजिटिव एंगल पर रहता है। अब हम पॉजिटिव नेगेटिव एंगल पर फिर से एक बार चर्चा करना चाहते हैं, ताकि मुझे लगता है कभी कभी कि लोग वर्ड में समझ रहे हैं लेकिन एग्जैक्टली फीचर वो समझ नहीं पाते, ठीक है। अब आप गौर करो कि कल जैसे मैंने कोऑर्डिनेट बनाया था, मैं आज फिर से कोऑर्डिनेट ड्रॉ करता हूं, ठीक है। अगर कोई स्ट्रक्चर है और वो स्ट्रक्चर ऐसे एग्जिस्ट करता है इस एंगल पर, ठीक है, इस एंगल पर, ऑब्वियसली हम लोग क्या कहते हैं कि यहां पर एक सर्टेन डिग्री का एंगल उसके एक्सिस से ड्रॉ हो रहा है। ये दोनों एंगल अगर है तो हम क्या कहते हैं, ये सारा पॉजिटिव एंगल्स है। अब आप गौर करिए, एक एंगल यहाँ है और इसी एक्सिस पर इस मॉलिक्यूल का दूसरा एंगल यहाँ है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं इसको ऐसे काउंट करते हैं कि बड़ा सा एंगल है, ठीक है, बड़ा सा एंगल है। लेकिन इस एंगल के लिए यहाँ पर जो इस एक्सिस पर जो देखते हैं ये प्लस है और ये माइनस है, इस पर देखते हैं तो ये प्लस है, ये भी प्लस वैल्यू है। अर्थात क्लियर कट समझने का मतलब होता है कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो किस जगह पर लोकेट करता है। अब चलो मैं एक स्ट्रक्चर आपको बनाता हूं एंटी पैरेलल बीटा शीट का, ठीक है। देखिए एंटी पैरेलल बीटा शीट इस प्रकार से, या पैरेलल बीटा शीट लेते हैं, ठीक है, पैरेलल बीटा शीट दिखाते हैं। ये अभी ये क्या है, पैरेलल बीटा शीट, और इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड, कहीं कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। जब इस तरह का मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में तो अमाइनो एसिड रेसिड्यूज भी तो होंगे ना भाई, यहाँ होंगे एक, यहाँ एक होगा, यहाँ है, यहाँ है, चलो तो मैं कुछ ही अमाइनो एसिड्स को दिखाता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इस अमाइनो एसिड से तो इसके साइड चेन भी तो होंगे ना, यहाँ पर एक इसका आर ग्रुप है, इसका एक आर ग्रुप नीचे की ओर मतलब बाहर की ओर है, इसका आर ग्रुप उस साइड में उस साइड से है, ये सब आपस में टकरा कर गए तब तो इसका स्ट्रक्चर हो सकता है कि सीधा हो जाए, ठीक है, या हो सकता है कि बेढब हो जाए, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर कॉन्फर्मेशन हो जाए, मतलब इस तरह के चांसेस में होने के हो सकते हैं। इसका जो नेटिव कॉन्फर्मेशन है वो क्या है, बिल्कुल नहीं रह सकता है। तब जाके इसका एक एक्सिस पर देखा जाता है कोई भी अमाइनो एसिड कितने डिग्री एंगल पर सबसे सुटेबल स्टेट में रहता है, ठीक है।
रामचंद्रन प्लॉट आज के दौर में ग्राफिकल सिमुलेशन मेथड है जिसके थ्रू इसको ऑब्टेन किया जाता है। तो रामचंद्रन प्लॉट के बारे में हम लोग, ये जो मैंने ये डायग्राम जो है, इस डायग्राम में क्या है कि एक जैसे साई एंगल है और फाई एंगल है, तो हम सब लोग क्लियर हैं कि साई एंगल क्या है और फाई एंगल क्या है। तो हम लोग कहते हैं कि जब एन से अल्फा सी की ओर एक बॉन्ड बनता है, उसके बीच में जो एंगल होता है उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं साई से, और फिर अल्फा कार्बन से कार्बोनाइल वाला जो मतलब कार्बन होता है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसको इंडिकेट करते हैं साई से, तो फाई साई, करेक्ट। तो इसलिए सब चीज को याद रखने की बहुत जरूरत है। अब देखिए यहां पर एन टू सी क्या है, ये एंगल है सी अल्फा टू सी, वन एंगल है 180, अर्थात कि ये जो एंगल है, यहां पर जो एंगल बनेगा, इसका फ्रीडम जो है वो 0 डिग्री है, मतलब एकदम लीनियर एक एक लाइन में, और जो साई एंगल है उसका फ्रीडम जो है वह 180 डिग्री पर, यदि ऐसा स्ट्रक्चर होता है। और ठीक, अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो तो साई एंगल 0 डिग्री पर है और फाई एंगल 180 डिग्री पर है। और भी क्या कहता है कि अगर यह इस प्रकार से डायग्राम हो जाए तो ये एंगल में कैसे बदलाव आ सकता है। अब आप सोचिए कि किस प्रकार से इसमें बदलाव आने से इसके एंगल का वैल्यू क्या होता है। एक ही मॉलिक्यूल है, पहले इस तरीके से डांस किया, पहले ये डांस कर रहा है इस तरीके से, आई एम ए डिस्को डांसर, फिर इसने अपना डांस बदला इस तरीके से, आई एम ए डिस्को डांसर, करेक्ट। देखिए दोनों अलग अलग स्टेटा है, फिर इसने और बदलाव किया, इसने बदलाव किया और ये कुछ इस प्रकार से डांस किया, फिर और बदलाव किया, कुछ इस प्रकार से डांस किया, और इसमें क्या हो रहा है, किस वैल्यू पर उसका असर पड़ रहा है, उसके फाई एंड साई एंगल पर असर पड़ रहा है। और जब एक वैल्यू पर जाकर यह स्टेबल हो जाता है, उस वक्त इसका साई और उस वक्त इसका फाई एंगल वो ही कहलाता है उसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशनल एंगल्स। ठीक है, मान लो कहें कि इस एंगल पर यह सबसे स्टेबल है, ऑब्वियसली इसका ये जो एंगल है और ये एंगल है, यही एंगल है जिस पर वो आराम से कूल कंफर्टेबल रहेगा, और इसमें अगर थोड़ा सा भी बदलाव आ जाएगा या अनस्टेबल हो जाएगा, करेक्ट। तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चरल वेरिएशंस होते हैं रामचंद्रन प्लॉट में, उसको हम लोगों ने अभी एक स्टडी किया है। अब एक सवाल यहां पर डाला है मैंने, क्या फाई और साई के सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो हम लोग कहते हैं कि पता नहीं, ये डिपेंड करता है उसके स्टेरिक कोलिजन बिटवीन एटम्स। अगर किसी एक पॉसिबल हमने एंगल दिया और उस पर वो आपस में टकराने लगे तो वो फेवरेबल नहीं है। जैसे नीचे एक एग्जांपल दिया गया है, अगर फाई एंगल और साई एंगल फाई प्लस 90 डिग्री और साई माइनस 90 डिग्री हो, ये डिसफेवर्ड हो जाता है। क्यों डिसफेवर्ड हो जाता है, क्योंकि ये आपस में टकराता है। यहां पर देखिए ये जो हिस्सा है वो इस हिस्सा से क्या करेगा, धीरे धीरे टकराना शुरू कर देगा, जिसके कारण इसका जो स्टेटस हो गया वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये जो है कि मनमाने तरीके से ये अपने क्यों किसी एंगल में नहीं रख सकता। आप सोचिए कि हम लोग जब खड़े होते हैं पैरों पर, तो हम लोग के पैरों पर खड़े होने का कुछ स्टेबिलिटी फैक्टर होगा। अगर हम सोचो कि बेढब टाइप के खड़े हो तो गिर सकते हैं, धड़ाम से गिर सकते हैं। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उन्हें स्पोर्ट्स पर्सन को ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, कि आपको अपने शरीर के घुमाव के साथ किस प्रकार से अपने हाथ और अपने पैरों को और अपने कंधों को, ये तीन चीजों को, और अपने सिर को, चार चीजों को अलाइनमेंट में रखना है। अगर आप इसको अलाइनमेंट में नहीं रखेंगे तो आप बुरी तरीके से गिर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि जो बहुत लोग जो बॉल डांस करते हैं या डांसर्स होते हैं, ठीक है, डांसर जो टो डांसर्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो अपने बॉडी को
इस प्रकार से मेंटेन करती हैं, एक पैर पर खड़े होकर वो और अपने शूज पर, और दूसरे पैर को एक खास एंगल से मोड़कर इससे जोड़ती हैं, जोड़ते हैं, मेल फीमेल दोनों होता है, ओके। और हाथों को, एक हाथ उनका खुला रहता है, ठीक उसी वक्त दूसरा हाथ क्या होता है, एक सर्टेन एंगल पर मुड़ा रहता है, और ये इसी जगह से लगातार कई राउंड रोटेट कर सकते हैं, करेक्ट। अगर इनके कॉन्फर्मेशन में ये गड़बड़ हो जाए, ये धड़ाम से जमीन पर, और तब क्या देखेंगे आप, ये अपने पैर को मोमेंटम देने के लिए डांसर अपने कॉन्फर्मेशन में सर्टेन टाइम पर क्या करते हैं, बदलाव करते हैं, ठीक है। जैसे एक पैर पर वो इस तरह से खड़े हैं और अचानक से अपने एक पैर को क्या करेंगे, हवा में फैलाकर, है ना, और एक वो अपने हाथों को भी हवा में इस तरीके से फैलाकर और अपने बॉडी को वो एक मोमेंटम देते हैं, मतलब कि वो तमाम उस स्टेप को फॉलो कर रहे हैं जिसमें वो क्या करें, स्टेबल रहे, ताकि उनका बॉडी का जो अलाइनमेंट रहे एक एक्सिस पर रहे, जिसको हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अगर इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वो थोड़ा सा भी अपने हाथों या पैरों गड़बड़ी कारण थोड़ा भी उनमें मतलब ऐसा हुआ कि वो अनस्टेबल होते हैं, तो फिर वो जमीन पर गिर सकते हैं। प्रोटीन भी ठीक इसी प्रकार से होता है, अपने में वो उस प्रकार से बदलाव करते रहता है ताकि वो स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन में अपने आप को रख सके। इसलिए हर स्टेटस में यह कॉन्फॉर्मेशन सही नहीं रहता है। जहां तक स्टेरिक मतलब हिंड्रेंस के बारे में बात करी थी, तो हमने कहा था कि ट्रांसपेप्टाइड जो होते हैं वो सबसे फेवर्ड होते हैं, जबकि सिस पेप्टाइड जो उसमें बहुत इश्यू होता है। देखिए ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है, अब यहाँ आर ग्रुप है, यहाँ आर ग्रुप है, तो दो और अलग ओरिएंटेशन में, तो आपस में टकराने की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन सिस में करें, यहाँ पर ये एक आर ग्रुप हो गया, उसके सामने ये आर ग्रुप हो गया, मैंने पहले बताया है, ये आपस में टकराने का इनका गुंजाइश क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है, ये आपस में किसी वक्त भी टकरा सकते हैं, ओके। कुछ और भी इसमें स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि ट्रांस पेप्टाइड में अगर प्रोलीन हो एक जगह पर, कहाँ प्रोलीन है, हम लोग के दिए स्ट्रक्चर जो है प्रोलीन का है, तो अगर ट्रांस में अगर प्रोलीन यहां रहा तो फिर टकराने का चांस क्या होता है, बढ़ जाता है, ओके। लेकिन वहीं पर अगर सिस प्रोलीन हो तो टकराने का चांस क्या होता है, कंपैरेटिवली नीचे वाले जो आर ग्रुप से है उसके साथ बढ़ता है। तो जहां पर ये अपने अपने आप को बहुत स्टेबल नहीं पाता है प्रोलीन, इसलिए आप लोग देखते होंगे प्रोलीन जहां भी आता है तुरंत वहां पर एक ट्विस्ट हो जाता है, वहां एक एंगल पर मुड़ जाता है, क्योंकि अगर उस एंगल पर नहीं मुड़ेगा तो किसी भी डायरेक्शन में वहां पर स्टेरिक क्लैश होने के चांसेस मौजूद रहते हैं, करेक्ट। इसीलिए प्रोलीन को हम लोग क्या बोलते हैं, डीस्टेबलाइजिंग अमाइनो एसिड ऑफ अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स को ये डीस्टेबलाइज कर देता है टकरा कर, ओके। और वहीं पर बीटा टर्न के लिए क्या होता है, बड़ा फेवर्ड रहता है, तो टर्न्स के लिए जहां पर ये फेवर्ड होते हैं, बाकी के लिए थोड़ा सा ये दुखदायी हो सकता है। और लास्ट में इसमें कहता है कि टू प्रॉपर्टीज ऑफ पेप्टाइड यूनिट लिमिट्स द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर एक्सेसिबल टू द अनफोल्ड फ्रॉम सफिशियंटली अलॉट प्रोटीन फोल्डिंग टू द, कहता है कि दो चीजें जो होती हैं बड़ी आवश्यक होती हैं जानने के लिए, और उसी बेसिस पर कोई भी प्रोटीन अपने स्ट्रक्चर को कन्फर्म को एक पर्टिकुलर रह सकता है। पहला है कि रिजिडिटी ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड पर यूनिट कितना है, और दूसरा कितना अलाउड है वो साई और फाई एंगल, है ना। तो आप ऐसे समझें कि जब भी हम प्रोटीन, आपको कोई पूछे कि रामचंद्रन प्लॉट पढ़ने से हमको क्या फायदा है, हम लोग कहते हैं रामचंद्रन प्लॉट पढ़ने से सबसे पहला ये फायदा है कि हम जान सकते हैं कि कोई भी प्रोटीन का अलाउड कॉन्फर्मेशन क्या है, कोई भी प्रोटीन अगर एक रूप में दिखता है तो उसके पीछे क्या कारण है, क्यों वो दूसरे रूप में नहीं दिखता है। तो आंसर होता है कि हर एक प्रोटीन का एक नेटिव कॉन्फर्मेशन होता है, हमने कहा था ना हर एक प्रोटीन का एक प्राकृतिक स्ट्रक्चर होता है, ये वो स्ट्रक्चर होता है जो सबसे फेवर्ड होता है। क्यों फेवर्ड होता है, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है या स्टेरिक क्लैश नहीं होता है, यह आराम से अपने स्पेस में रोटेट कर सकता है, और जब ये अपने स्पेस में रोटेट करेगा तो आप निश्चित रूप से समझिए कि वो प्रोटीन मोस्ट एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर रखता है। तो रामचंद्रन प्लॉट के ग्राफ ने बहुत हद तक दुनिया के सामने
प्रोटीन के स्ट्रक्चरल कॉन्फॉर्मेशन का जो एक ऑप्टिमाइज्ड पैटर्न था उसको इन्होंने बताया था, और इसलिए रामचंद्रन प्लॉट से हम लोग क्वेश्चंस को